पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब के रोपड़ में आर्मी का हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर में 3 आर्मी ऑफिसर सवार थे और माजरा गांव में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या वजह कुछ और थी? मोहित, चलिए मोहित से हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे, बड़ी खबर यही है कि सेना का जो हेलीकॉप्टर है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की, जो माजरा गांव में हुई है। हालांकि जानकारी है कि 3 आर्मी ऑफिसर इसमें सवार थे। टेक्निकल फॉल्ट फिलहाल शुरुआती तौर पर ऐसा बताया जा रहा है। खेत में उतरा सेना का हेलीकॉप्टर जिसमें 3 आर्मी ऑफिसर सवार थे, और बताया ये भी जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर पटियाला से पठानकोट जा रहा था और इसी दौरान रोपड़ में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब के रोपड़ से, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है सेना के हेलीकॉप्टर की। मोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित, क्या टेक्निकल फॉल्ट था या कुछ और वजह थी, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी स्थानीय प्रशासन वहां मौके पर पहुंचा हुआ है। पंजाब के रोपड़ का ये बंद माजरा गांव है, वहां पर खेतों के अंदर अचानक ही हेलीकॉप्टर को उतरा लोगों ने देखा, तो इमीडिएटली वहां पर स्थानीय पुलिस को, प्रशासन को जानकारी दी गई। उसके बाद जब मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा तो जानकारी मिली है कि हेलीकॉप्टर के पायलट को लगा कि हेलीकॉप्टर किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। टेक्निकल फेलियर हेलीकॉप्टर में आ गया था, जिसके बाद उसने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। और ये जो रोपड़ का बन माजरा गांव है, वहां पर खेतों में इस हेलीकॉप्टर को उतारना पड़ा। 3 तरह के ऑफिसर वहां पर है, जिनके साथ अभी स्थानीय प्रशासन संपर्क में है। और शुरुआती जानकारी मिल रही है कि ये हेलीकॉप्टर पटियाला से चला था और पठानकोट में जो आर्मी के बेस कैंप है वहां पर इनको पहुंचना था किसी अर्जेंट काम से। लेकिन फिलहाल ये किस ऑपरेशन पर थे, क्या किस वजह से जा रहे थे, इसका खुलासा तो सेना की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन जितने भी लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और एक बड़े हादसे को टाला गया, तरह से पायलट ने समझदारी दिखाई, उसने खेतों के अंदर हेलीकॉप्टर को लैंड करवाया। मोहित, जो 3 आर्मी ऑफिसर इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या सब सकुशल? वो बिल्कुल ठीक है, किसी को किसी भी तरह की कोई चोट नहीं है। इमरजेंसी लैंडिंग जो करवाई गई वो भी कामयाब रही। इस दौरान किसी तरह से हेलीकॉप्टर में कोई भी हादसा नहीं हुआ, कोई आग लगने की खबर नहीं है। और एक ऐसी जगह पर हेलीकॉप्टर को उतारा गया जहां आसपास रिहायशी इलाका नहीं है, खेत ही खेत है, इसी वजह से किसी भी तरह का कोई वहां पर जानी नुकसान होने की खबर नहीं है। हेलीकॉप्टर को क्या नुकसान हुआ है तो आपसे थोड़ी देर में साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल सेना की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि जो 3 जो आर्मी ऑफिसर थे वो किस रेजिमेंट के हैं, किस मकसद के साथ वो पटियाला से पठानकोट जा रहे थे, क्या ये एक रूटीन फ्लाइट थी या फिर कोई सैन्य अभ्यास वहां पर हो रहा था। इन तमाम बातों पर अभी सेना ने चुप्पी साधी हुई है। और लेकिन एक अच्छी बात इस पूरी खबर में ये है कि तमाम जो उसके अंदर क्रू मेंबर थे और जो ऑफिसर सवार थे वो पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान होने की या कोई हताहत होने की खबर नहीं है। जी शुक्रिया मोहित। तो इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित रही, सब सकुशल, टेक्निकल फॉल्ट वजह बताई जा रही है।